अभी हम यान एक्सपो में परफेक्ट फिलामेंट्स के बूथ पे है और उनके सीईओ मिस्टर रौनक गुप्ता जी से बात हो रही है। रौनक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यान एक्सपो। मैं जानना चाहता हूँ कि यान एक्सपो में आप कब से पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस साथ साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने यहाँ पे बूथ रखा है और पार्टिसिपेट किया है, और क्या टेक्नोलॉजी लाया है? यस, सो बेसिकली वी आर पार्टिसिपेटिंग, हम लोग कम से कम आज 5 साल हो गया पार्टिसिपेट करते करते, एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने मिस किया था बिकॉज देर वॉज लॉट ऑफ कोरोना एंड स्टफ लाइक दैट, तो जाम उसके हमने मिस किया था, बट देन वी रिग्रेट इट कि हमने क्यों मिस किया, एंड वी आर दैट्स वाई वी केम बैक अगेन दिस टाइम, एंड इनफैक्ट वी आर एट प्लैटिनम स्पॉन्सर, एंड या एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड इन द पास्ट, काफ़ी नए कस्टमर्स बनते हैं, सूरत इज़ द हब फॉर टेक्सटाइल एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इनोवेशन, और हमारी कंपनी का काम ही इनोवेशन है एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, वी आर फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एक्सपो इज बेसिकली टू शो आवर न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू इनोवेशन टू द कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स उससे बनेंगे तो कस्टमर्स हमारे पास आएंगे और हमसे यान लेंगे तो उनका भी वैल्यू एडिशन होगा, उनको भी जो रेगुलर कर रहे हैं उससे कुछ अलग चीज़ करने मिलेगी, एंड यही हमारी कौन सी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और आपकी कौन सी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहेंगे? यस, सो बेसिकली हमारा अभी मेन फोकस है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे, तो एक तो हमारा रिसाइकल्ड यान है, रिसाइकल्ड यान मींस हम लोग बेसिकली इसको बॉटल से वी मेक फ्लेक्स से हम लोग सीधा फिलामेंट यान बना देते हैं, सो दिस इज सस्टेनेबल बिकॉज इसमें कार्बन एमिशंस काफ़ी कम होता है और हम लोग पोल्यूशन कम करते हैं एटमॉस्फेयर का, और अभी उसमें एक नई टेक्नोलॉजी और हमने डाल दी है कि वी आर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर यान, सो दिस इज अ सिक्लो, दिस इज अ केमिकल कमिंग फ्रॉम द यूएसए, मतलब यूएसए से केमिकल आते हैं, वो हम लोग फिलामेंट में डालते हैं जिससे यान बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, मतलब पॉलिएस्टर फिलामेंट यान अगर देखोगे तो अगर आप 10,000 साल तक भी जमीन में पड़ा रहेगा या ओशन में ऐसे कैसे ही रहेगा, तो ये डालने से वो जैसे कॉटन बायोडिग्रेड हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाएगा या ओशन में गल जाएगा, तो जिससे वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट है, और यू नो दिस इज सब ब्रांड्स ये मांग रहे हैं अभी आगे जाके फॉर सस्टेनेबिलिटी, यस या सो बेसिकली हम लोग कचरा कम कर रहे हैं एक तरीके से और साथ में उसमें उसको मिला के उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, अगर ये अगर बॉटल चले जाती ओशन में चले जाती तो ओशन में ऐसे कैसी रहती, और उसमें हम लोग अभी इसको प्रॉपर एक फैब्रिक बना देते हैं और फैब्रिक बना के उसको उसमें एक बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट डाल के उसको और ज़्यादा उसको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कर रहे हैं, तो इससे कोई भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता है, फिशेस को या अपने ह्यूमंस को, इट्स नॉट हार्मफुल। सो थैंक यू वेरी मच रौनक जी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू।